नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत आज करेंगे यहां पर सोने के साथ। यहां पर सपोर्ट फिर से बनता हुआ नजर आया है। अगर अक्टूबर के महीने में अब तक की बात करें तो 5.5% का इजाफा सोने में देखने को मिला है और पिछले एक साल में जिस तरह की बढ़त है, काफी दूसरे एसेट क्लासेस को सोने ने यहाँ पर आउट परफॉर्म भी किया है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर चौपिनस अब भी जारी है। 2% की तेजी कल रात थी, लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली फिर से लौटती हुई नजर आई है, तो 90 के नीचे के कारोबार यहां पर बरकरार हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर मौसम की, जहां पर अब और भी रिपोर्ट्स निकल के आने लगी हैं कि किस किस स्टेट में यहां पर डेफिशिएंसी या ड्रॉट की चिंताएं बनती हुई नजर आई हैं। खरीफ तो आ चुकी, लेकिन रबी पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, केडिया कमोडिटीज के विजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव। ब्रेक के बाद हम लेंगे स्काईमेट एंड मेट्रोलॉजी क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा से क्यूज की आगे का मौसम कैसे रह सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये जानने में कि त्योहारी सीजन में किस तरह का स्पेंड हम रूरल इंडिया से आता हुआ देखेंगे। लेकिन शुरुआत सोने के साथ करेंगे। एंड रविंद्र, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस को? 2000 तक जाता तो है सोना, लेकिन फिर मुनाफा वसूली के चक्कर में फंस जाता है। करंट लेवल्स पे क्या करने की राय? गुड मॉर्निंग मनीषा। बिल्कुल, क्योंकि जो गोल्ड में जो रैली आई है सिंस इट केम डाउन टू $1800, ये मेनली वॉर प्रीमियम की वजह से आई है। बाकी अगर दूसरा कोई भी फैक्टर देखे, जैसे कि जो हम नॉर्मली ट्रैक करते हैं डॉलर इंडेक्स का मूव देखे, तो डॉलर इंडेक्स इज अगेन क्लोज टू 107। यूएस के डेटा अभी भी काफी रोबोस्ट आ रहे हैं और विच इज सपोर्टिंग द हॉकी स्टांस बाय फेड, जो कि गोल्ड के लिए बेरिश होना चाहिए था, बट मेनली बिकॉज ऑफ द वॉर प्रीमियम गोल्ड हैज रिजन। और अगर प्राइस एक्शन देखे तो $2009 का एक डबल टॉप रेजिस्टेंस है, अगर वो निकल जाता है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है, सस्टेनेंस हो जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये जो ऑल टाइम हाई है टुवर्ड्स 2085-2090 उसे टेस्ट करेगा, और वो एक बहुत क्रूशल लेवल है। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर आई थिंक वी माइट सी फर्दर हाइज, बट इसके लिए जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसमें फर्दर एस्केलेशन होना चाहिए। अगर एस्केलेशन होता है तो ही हम ये $2010 का जो लेवल है वो ब्रीच होते हुए देखेंगे। वॉर सिचुएशन अभी भी थोड़ा सा टेंस है, हालांकि जो ग्राउंड इन्वेशन है इजराइल का वो थोड़ा सा डिले हुआ है, विच इज वाई वी आर सीइंग अ म्यूटेड मूव। बट मेरे हिसाब से ट्रेडर्स को बहुत कॉशियस रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये वॉर प्रीमियम है, इसमें अगर थोड़ा भी डीएस्केलेशन होता है तो वी माइट सी शार्प प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो, बट गोइंग विद द ट्रेंड। और अगर प्राइस एक्शन देखे तो मेरे हिसाब से 2009 वुड बी एन इमीडिएट टारगेट। अगर 2009 के ऊपर जाता है तो वी माइट सी प्राइसेस गोइंग हायर टुवर्ड्स 2080। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 61,100 से 61,150 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू 61,600। सो एज ऑफ नाउ बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और रेजिस्टेंस का वेट करें। रेजिस्टेंस अगर निकल जाता है तो आई थिंक वी माइट सी अ ब्रेकआउट। ऑल राइट, यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन पे काफी कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा। 2000 एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस है, लेकिन काफी हद तक बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि यहाँ से तेजी आगे देखने को मिल सकती है। ऑल टाइम हाईज यहाँ पर अगले साल परहैप्स बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन त्योहारों का सीजन है और यहाँ पर क्या इम्पैक्ट है इन प्राइस मूव्स का, और साथ ही साथ किस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर फिलहाल बाजार में है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले हैं। राजीव नमस्कार और त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं, जी हाँ, बांद्रा से गुजरी थी और मैंने देखा था कि वो स्ट्रीट्स फिर से अब लिट अप है यहां पर काफी हद तक। तो क्या प्लान्स हैं त्योहारों को लेकर और किस तरह के ट्रेंड्स देखते हैं आप खरीदारी में? यस सर, त्योहार इज ऑल वेरी विद बांद्रा एंड लाइट एंड ऑल द फेस्टिविटीज एट फिट नाउ, तो हमने काफी अच्छी रिस्पांस देखी है दशहरे के लिए। एंड दशहरा इज ऑलवेज द फर्स्ट सी आगे चल के देवल कैसे जाएगा, राजीव हम बहुत क्लियरली आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपको फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी हाँ, त्योहारों का सीजन यहाँ पर शुरू हो चुका है और जो इनिशियल ट्रेंड्स हमने आते हुए देखे हैं मार्केट में वो यही सजेस्ट करते हैं कि खरीदारी अच्छी खासी है अक्रॉस सेक्टर्स एक्चुअली। चाहे आप रिपोर्ट उठा के देख लें तो चाहे वो रियल एस्टेट है, कार सेल्स है, ज्वेलरी सेल्स है, जो भी वाइट गुड प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग बुलियन, यहाँ पर नंबर्स अच्छे होते हुए नजर आए हैं। जब तक राजीव हमारे साथ जुड़ते हैं, हम एक क्यू यहाँ पर चांदी पर भी ले लेंगे। अजय हमारे साथ हैं। अजय, सोने में तो ट्रेंड्स बनते हुए नजर आए ही हैं, चांदी में भी कुछ सपोर्ट है। अक्टूबर का महीना अगर उठा के देखें तो सोने ने आउट परफॉर्म किया है, चांदी थोड़ा सा लैग करी है।
अजय आप म्यूट पर हैं, अजय आप म्यूट पर हैं। अजय हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप म्यूट पर हैं। अगर हम देखें यहाँ पर चांदी के प्राइसेस, अगर एक्चुअली अक्टूबर के महीने की बात की जाए तो सोने में 5.5% का इजाफा है, तो चांदी में 2% से भी कम है। अजय कैसे देखते हैं आप चांदी की अंडर परफॉर्मेंस? हाँ बिल्कुल, अक्टूबर में अभी तक मनीषा जी हमने देखा है कि चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्म रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी हमने 88-89 की तरफ जाते हुए देखा था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाइना से जब तक कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं। नो डाउट चाइना ने पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि 1 ट्रिलियन युआन का इन्फ्यूजन भी किया है, बट उसके बावजूद बेस मेटल या चांदी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। खाली वॉर प्रीमियम के चलते सोने के साथ साथ चांदी भी मूव कर रही है, तो टाइमिंग मार्केट $23 के ऊपर मेंटेन है। आई थिंक 23.80-24-24.20 के जोन को बार बार में टच कर रही है, वो कंटिन्यू रह सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि वॉर प्रीमियम जब तक मेंटेन है, क्योंकि कल भी हमने देखा इजराइल ग्राउंड इन्वेंशन को पुश करने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं ना कहीं चांदी को भी एक बार सपोर्ट करता हुआ दिखाई, तो टेम्परेरी मुझे लगता है 72,500-73,000 के जोन में दिखा सकता है। बट अगर थोड़ा भी डिले होता है, ये वॉर वाला प्रीमियम कम होता है, तो करेक्शन भी ड्यू रहेगा। बट कुल मिलाकर अगले महीने भर की 15 दिन की बात करें तो चांदी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रेशियो 87-88 की जोन पे टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ओके चलिए, तो सिल्वर के प्राइसेस पर व्यू हुआ, लेकिन राजीव पोपली हमारे से वापस रिकनेक्टेड है, उनका व्यू हम ले रहे थे कि किस तरीके की फेस्टिव डिमांड दिखाई दे रही है इनिशियल ट्रेंड्स में। राजीव जी बताइए दशहरा कैसा रहा और अब प्री दिवाली बाइंग इंडिकेशंस कैसे हैं? यस, दशहरा वाज क्वाइट बेटर देन एक्सपेक्टेड। इनफैक्ट हमारे लिए हेड्स अप होती है दशहरा कि कैसे त्यौहार की सीजन जाएगी, एंड हमने काफी अच्छी रिस्पॉन्स देखी है। मोर इम्पोर्टेंटली जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ये सेल्फ बाइंग ट्रेंड शुरू हो चुकी है, एंड ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिटेल के लिए, बिकॉज जब सेल्फ बाइंग होती है तो देन वैल्यू की जो परचेस होती है काफी अच्छी होती है। इट इज नॉट जस्ट द अफोर्डेबल परचेस और जस्ट द लाइट वेट ज्वेलरी, इट इज सेल्फ बाइंग, सो अच्छी प्रोडक्ट्स दिखती है एंड हायर वेट मटीरियल इज सोल्ड, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इवन डायमंड ज्वेलरी की काफी अच्छी डिमांड आई है हमें दशहरे के लिए। सो गोइंग अहेड जो हम देख रहे हैं कि अप टू धनतेरस एंड दिवाली वी एक्सपेक्टिंग डायमंड ज्वेलरी सेल एट पार विद गोल्ड ज्वेलरी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए। एंड इवन जो वेडिंग्स की डिमांड आ रही है, एज वी सी कि वेडिंग परचेसेस जो मुहूर्त के लिए दिवाली में की जाती है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है हमारे लिए भी, तो ये पहले से शुरू हो चुकी है एंड गोइंग अहेड हम देखेंगे कि ये एक बेटर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए फॉर द दिवाली सीजन इटसेल्फ। राजीव, इन सम सेंस जब भी नए ट्रेंड्स आते हैं, मुझे याद है कि आप मुझे सबसे पहले बताते हैं कि क्या कुछ बाजार में आ रहा है। आई रिमेम्बर मेरी कॉन्वर्सेशंस प्लैटिनम के बारे में आपसे, मेंस ज्वेलरी के बारे में भी आपके साथ हमने बात करी है, तो इस बार क्या ट्रेंड्स है? क्या मेंस ज्वेलरी और पिकअप कर रही है? क्या प्लैटिनम भी यहाँ पर इनरोज कर रहा है? क्या लैब ग्रोन डायमंड्स की भी अवेयरनेस बढ़ी है? सेल्फ बाइंग में एनीथिंग व्हिच इज हायर वैल्यू अच्छी सी डिमांड हो जाती है, सो मेंस कलेक्शन में मेंस ज्वेलरी इम्पोर्टेंट हमेशा लिए हमारे लिए एस्पेक्ट एक कैटेगरी है एंड ये डेवलप हो ही रही है एंड ऑन अ हायर वैल्यू एडिशन। इनफैक्ट अब हम मेंस ज्वेलरी में सॉलिडेज भी ऐड कर चुके हैं, सो सॉलिडे रिंग्स एंड अदर पीसेस ऑफ ज्वेलरी जो मेंस में इतनी डिमांड में नहीं थी पहले, अब ज़्यादा आ गई है। ऑफकोर्स प्लैटिनम इज की एस्पेक्ट हमारे लिए हमेशा से, सो हैवीयर आइटम्स इन प्लैटिनम हमेशा डिमांड रहती है, और जो हमारी स्पेशल कलेक्शंस होती है, हमारी साइन रेशियो होती है ज्वेलरी की, ये हम खास प्लैटिनम में ही बनाते हैं विथ प्रेशियस जेमस्टोन्स एंड लार्जर डायमंड्स। तो ये कलेक्शन जो हम देखते हैं सेल्फ बाइंग में काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है प्रोडक्ट लाइन के लिए। साथ ही आई नो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होगा राजीव, लेकिन मेंस ज्वेलरी वीज़ावी विमेंस ज्वेलरी, अगर हम इसको मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो क्या है? Won't be fair to compare because men still don't have a larger pocket in the buy. But nevertheless, the growth हम देख रहे हैं, it is more than 30-35% growth men's jewellery में आ रही है सालों साल. Obviously, ladies women's jewellery में इतनी growth नहीं आती है normally as a category. But men's jewellery is taking a good share of the market, which is really important for us. Okay. और राजीव जी, कुछ एक्साइटिंग स्कीम्स और ऑफर्स कंज्यूमर्स के लिए दिवाली से पहले? इनफैक्ट वी हैव अ लॉट ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर्स जो हम करते हैं, स्क्रैच कार्ड्स आते हैं, फ्लैश कार्ड्स इमीडिएट विन में आते हैं,
buy one get one frees and a lot of labor offers which keep going just to spice up the season. It's more of a you can say loyalty payback time hamare liye, and that's what we make the best use of at this time. All right. Rajiv, as always, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो लेटेस्ट ट्रेंड्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. ब्रेक का समय है, लेकिन 10-10 सेकंड में अपने बाकी दोनों गेस्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेंस ज्वेलरी में उन्होंने क्या खरीदा और उनकी लास्ट परचेजेस क्या थी. अजय, अगर हम गोल्ड धनतेरस पर तो डेफिनेटली लेते हैं, मैं लास्ट परचेज जो था वो चैन था और डेफिनेटली ये साल भी हम लोग लेंगे उस चीज को. ऑल राइट, रविंद्र आपने क्या लिया था लास्ट टाइम अपने लिए? Not very much interested in the jewelry part, Manisha. But I think last what I had purchased was a chain. All right. So clearly chain, men ke hisab se abhi bhi yahan par ek top buying ka commodity hai. Ye hamare immediate sample survey se pata chala hai. Lekin ek chote se break le rukenge. Jab lautenge to baat yahan par karenge agri commodities. आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और एक खबर की ओर रुख करते हैं. और अमेरिका की वेदर एजेंसी नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत में सूखा पड़ने की आशंका जताई है. और कल ही हम बातचीत कर भी रहे थे, कर्नाटक सरकार ने 31 जिलों में 231 तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किया है. ऐसे में संकट के काले बादल अभी फसलों पर दिखाई दे रहे हैं. अभी बुआई भी शुरू नहीं हुई है तो चिंता तो दिख रही है. और सूखा पड़ने की कितनी आशंका है, कितनी बड़ी चिंता है, इस पर बातचीत करते हैं. हमारे साथ हैं स्काईमेट के मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा. शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका. यूएस की वेदर एजेंसी ने तो 20-22% ड्राउट पड़ने की आशंका जताई है, लेकिन कल ही हम कर्नाटक सरकार के आंकड़ों की भी बात कर रहे थे. आप कैसे देखते हैं मौजूदा स्थिति को और कितनी बड़ी चिंता की बात है? धन्यवाद दीपाली. देखिए, हमें पता है जो मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून काफी 6% की कमी से बंद हुआ था बिलो नॉर्मल, और उसके कारण देश के कुछ ऐसे भाग थे जिसमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था, जिसमें पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ दक्षिण में केरल और कर्नाटक के क्षेत्र थे जो ज्यादा प्रभावित रहे. मानसून भी जब वापसी हुई तो वो भी लगभग समय के आसपास ही हो गई पूर्वी उत्तर प्रदेश या उसके बिहार जैसे क्षेत्रों में, तो नहीं तो जाते जाते भी मानसून कुछ ना कुछ बरसात दे जाता है जो कि नहीं हो पाया. उसके साथ ही चलते जो अक्टूबर का महीना है अभी तक वर्षा बहुत कम है, लगभग 75 मिलीमीटर वर्षा होती है पूरे भारत में अक्टूबर में, अभी तो 50 भी नहीं हुई, महीना तो खत्म होने को आ गया. और इसके कारण ही जो देश के विशेषकर दक्षिणी भाग जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है, उत्तर पूर्व मानसून तो उसकी तो घोषणा कर दी है कि आ गया, लेकिन वर्षा नहीं है, वर्षा तो नाम मात्र है. और विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनमें कि मानसून के आने के बाद वर्षा होती है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र गिने जाते हैं, दक्षिण में कर्नाटक में भी बारिश होती है, लेकिन उनमें वर्षा ना हुई है और ना अभी मुझे कुछ होने की संभावना लग रही है. अगले 4-5-6 दिन की बात करें तो कोई विशेष वर्षा होने की संभावना नहीं रहेगी. इसलिए जो स्थिति है जी, आप कहेंगे कि खरीफ तो ठीक है अब यहाँ से निकल गया, आवक बाजार में है, लेकिन रबी के लिए कितनी बड़ी चिंता है ये? चिंता का विषय जरूर है. देखिए, जो उत्तर भारत है, एक बार मानसून चले जाने के बाद अक्टूबर में तो वर्षा जनरली होती भी नहीं, बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ वगैरह, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत वीक से आते हैं, उसके कारण नहीं होती है. लेकिन जो बाकी देश के क्षेत्र हैं, विशेषकर जो दक्षिणी भाग हैं, जिनमें कि जो फसलों का काफी जोर रहता है इन दिनों में, बुआई का जोर रहता है, लेकिन अक्टूबर का महीना काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है अभी तक, इसलिए उसमें वाटर स्ट्रेस लगभग काफी बढ़ गया है. पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा भी कम थी, अक्टूबर में भी उसकी भरपाई नहीं हो पा रही, और अभी तक भी अगर वर्षा नहीं है तो उसके कारण कृषि क्षेत्र के लिए तो खबर अच्छी नहीं है. वाटर स्ट्रेस बढ़ जाने के बाद किसान के लिए तो मुश्किल का समय और बढ़ जाएगा. तो अभी आने वाले दिनों में भी देश भर की बात करें, अगले 10 दिन में कोई विशेष वर्षा नहीं होगी, केवल दक्षिण भारत की तमिलनाडु केरल की बात करें तो कुछ वर्षा संभावित है मंथ एंड में 30 तारीख के आसपास, लेकिन बाकी क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी जी. अजय, आपके कमेंट्स क्या हैं? इनफैक्ट पिछले 2 सीजन तो बैक टू बैक रबी फसलों के हिसाब से बेहतर रहे थे, लेकिन इस बार तो चिंता दिखाई दे रही है. क्लियरली आंकड़े भी यही इंडिकेट कर रहे हैं.
मेजर कंसर्न्स कहाँ कहाँ रह सकते हैं? बिल्कुल दीपाली जी, अगर देखें तो हमने खरीफ में भी जो खास करके अगस्त का मंथ था उसका इंपैक्ट हमने पूरे ही कमोडिटी मार्केट पे आते हुए देखा, बट अभी रबी का कंसर्न रहेगा कि स्विंग तो अच्छे होने हैं काफी कमोडिटीज के, बट इंपॉर्टेंट रहेगा जो यील्ड में हमने पिछले साल में भी ड्रॉप आते हुए देखा इस बार भी इम्पैक्ट रहेगा। खास करके मुझे लगता है कि जो अभी स्पाइसेस की अगर बात करें तो गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया ये काफी कीन रहेगा, वहीं हम कर्नाटक साइड भी देखते हैं तो काफी क्रॉप्स पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एग्री प्राइजेस के अंदर उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है और प्राइजेस को भी एक सपोर्ट मिल सकता है आने वाले दिनों में, बिकॉज सोइंग के एरिया तो इंप्रूव हो रहे हैं बट यील्ड में जो ड्रॉप रहेगा उसका इम्पैक्ट रहेगा। अजय, तो टॉप एग्री कमोडिटी ट्रेड फिर आज क्या देखना चाहिए? देखिए करंटली हम जो इक्विटी मार्केट में एक बड़ा फॉल देख रहे हैं उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट कमोडिटी पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि एक रिस्क वाली प्रीमियम की वजह से चल रहा है, लेकिन बाकी कमोडिटी मार्केट में आज एक दबाव रहेगा। खास करके हम जीरे की अगर बात करें, कल हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखा लेकिन रिकवरी भी 48 से 50,600 तक आते हुए दिखाई दी, बट अभी भी प्रेशर बना हुआ है तो मुझे लगता है अगले दो दिन तक मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। धनी में बिकवाली करके चलना चाहिए 7,000 के नीचे, जो 6,850 का लेवल दिखा सकता है। हल्दी 13,000 से 13,400 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा, जबकि गवार का एक रिजेक्शन फिर से हुआ है 6,100 पे, तो 6,000 पे बेच के चलिए, 5,850 का इमीडिएट टारगेट रहेगा गवार सीट में। जाती बात यहां पर एनर्जी की करनी चाहिए क्योंकि वहां पर हमने चौपिनेस यहां पर बनते हुए देखी है। रविंदर, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि इसका इंपैक्ट एथेनॉल, रबर और काफी सारी एसेट क्लासेस पर है? क्रूड में मनीषा, मेरे हिसाब से आई थिंक जब तक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में कोई एस्केलेशन नहीं होता मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर मूव आएगा। एक रेंज रहेगा, अगर एमसीएक्स की बात करें तो 7,400-7,500 पे एक रेजिस्टेंस है और लोअर साइड पे 6,800-7,750 पे एक सपोर्ट है। अगर नाइमेक्स की बात करें तो $82 आई थिंक वुड होल्ड और अपसाइड में $88-89 का एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक कि कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि क्रूड एक दायरे में ही रहेगा। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है देन आई एम सीइंग क्रूड गोइंग हायर अबाउट $95। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए कच्चे तेल पर। हालांकि थोड़ी सी नरमी प्राइसेस में हमने देखी है, लेकिन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट कैसे शेप आउट होते हैं यहाँ से वो फर्दर कमोडिटीज की डायरेक्शन को ड्राइव करेंगे। हालांकि फिलहाल देखें लेवल्स तो नेमेक्स $84 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया अजय और रविंद्र आप दोनों का ही शो में आने के लिए, अपने स्ट्रैटेजीज और व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।